दोस्तों, मैं काफी दिनों से मैं एक फेस वॉश लेके आया था, वो है रूप मंत्र का कुकुम्बर फेस वॉश। ये अब खत्म हो चुका है, इसलिए मैं इसका नया लेके आया था। और मुझे मैं चाहता था कि इसका मैं आपको रिव्यू दूं, तो सोचा मैंने पहले इसको यूज करूं, क्योंकि मैं सारे प्रोडक्ट यूज करता हूँ अपने ऊपर, उसके बाद ही देता हूँ। जब भी मेरी वीडियो इतनी लेट आती है, डेली नहीं आ पाती मैं, क्योंकि कोई सा प्रोडक्ट अगर यूज कर रहा हो तो उसको 1 वीक 10 दिन तो बनता ही है, उसके बाद ही उसका रिजल्ट नजर आता है। तो मुझे कुकुम्बर का फेस वॉश मैंने यूज करा है, तो इसका मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों ने पूछा था कि, क्योंकि रूप मंत्र के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चल रहे हैं, इसकी ब्रांड एम्बेसिडर प्रीटी जिंटा है, और ये किंग्स इलेवन पंजाब में भी आपने एक बार एक आध बार जर्सी में इसे देखा होगा, स्पॉन्सरशिप इनकी वो है, और इसलिए मैं कुकुम्बर लेने गया था। मैं जब लेने गया तो इसके और कई फ्लेवर आ गए, इसलिए मैं सारे फ्लेवर लेके आ गया। आप सोच रहे होंगे इतने सारे फ्लेवर, क्योंकि देखिए मुझे बताना था, और मैं चाहता हूँ इनके बारे में भी आपको बताऊँ कि ये सही है या नहीं, आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कम्प्लीट। तो मैं चाहता हूँ पहले मैं अपने ऊपर यूज़ करूँ इसका, और इसके क्या साइड इफेक्ट है, किस तरह का इसको उनको सूट करता है, कैसा नहीं करता, वो सब मैं अपने ऊपर देखूंगा और उसके बाद ही बताऊंगा। तो मैं लेके आया हुआ लाइम एंड मिंट फ्लेवर, कुकुम्बर तो लेके आया था मैं, और लाइम एंड मिंट फ्लेवर, एक है एलोवेरा फ्लेवर, एक है मिक्स फ्रूट फ्लेवर, और एक है नीम फ्लेवर। ये करीबन 4-5 तरह के फ्लेवर हैं, पतंजलि के भी आते हैं, हिमालय के भी आते हैं, मैं पतंजलि के भी बता चुका हूँ। रूप मंत्र में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चल रहा है और इसका रिजल्ट बहुत लोगों का आ रहे हैं, मैंने भी इसको यूज़ करा है, और आप मेरी स्किन देख ही सकते हैं, ये क्लीन करती है, ग्लो तो करती नहीं है, बट फेस वॉश जनरली क्लीन करने के काम आती है। तो ये पांचों तरह के फ्लेवर मैंने मंगा है, पहला है मिक्स फ्रूट, सेकंड है क्यूकुम्बर, तीसरा है नीम, चौथा है लाइम एंड मिंट, पांचवा एलोवेरा। ये पांचों प्रोडक्ट देखेंगे, क्योंकि कंपनी का मानना है कि आयुर्वेदिक है और नेचुरल हर्बल है, तो हम ये देखेंगे इसमें से कितने परसेंटेज नेचुरल इसके अंदर इंग्रेडिएंट मिले हैं और कितना आर्टिफिशियल मिले, मतलब कितना परसेंटेज इसके अंदर नेचुरल सब्सटेंस मिले हैं जो इन्होंने बताया है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्यूकुम्बर फेस वॉश में 1 मंथ यूज कर चुका हूँ, तो इसका भी रिव्यू दूंगा आखिरी में कि कैसा था, आपको यूज कर सकते हैं या नहीं। ये सारे प्रोडक्ट कंपनी का मानना है आयुर्वेदिक है। देखिए इनके क्या साइड इफेक्ट है वो हम देखेंगे, और इसके प्राइस भी देखेंगे, और सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं मिक्स फ्रूट के बारे में, यहाँ लिखा है इन्होंने रिमूव फेशियल स्किन प्रोडक्ट, और ये तो खैर बता दूंगा काई के लिए आखिरी, और इन सभी के अंदर जो लिखे कुछ ना कुछ लिखे है कारणों से। पीछे देखे तो आप देखेंगे ऊपर रूप मंत्र 115 ml है, हम प्राइस की बात करें तो ये 83 रुपये का है। यहाँ पर जितने भी आप देख सकते हैं, आप लाइम एंड मिंट का भी देखे तो भी 83 का है, दूसरा ये भी 83 का है, नीम का एलोवेरा का भी 83 का है, तो प्राइस यहाँ 115 ml 83 की है। यूज करने का तरीका सबका है, हम मेन काम है हमारा इंग्रेडिएंट देखना है कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट मेन इंग्रेडिएंट जो है नेचुरल वो कितने हैं इसमें और कितने परसेंटेज है। तो हम सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर जो मिला है, जैसे कि इसके अंदर ग्रेप सीड मिला है, एप्पल फ्रूट मिला है, कैरेट फ्रेश मिला है, एलोवेरा मिला है, आलमंड सीड मिला है, जितनी भी चीजें मिली, और साथ में इन्होंने आखिरी में प्रिजर्वेटिव्स भी मिला है, तो ये सारे प्रिजर्वेटिव्स भी देखेंगे कैसे है, और उसके अंदर जो इसके अंदर कलर मिला है और हॉट फ्रूटी परफ्यूम मिला और साथ में बेस मटेरियल मिला है, तो इनके क्या काम है, ये सारे चीजें हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर के इंग्रेडिएंट, नेचुरल इंग्रेडिएंट की, और मेरे पास मोबाइल है, हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ देखें 100 ml में से इसके अंदर ग्रेप सीड मिला है करीबन 5%, एप्पल फ्रूट पल्प मिला है उसके अंदर 5%, और कैरेट फ्रूट एक्सट्रैक्ट मतलब गाजर का रस निकाल के इन्होंने 3% मिला है, घृत कुमारी एलोवेरा एलोवेरा लिप्स इसके लीव इसके अंदर मिली है 2%, और आलमंड सीड एक्सट्रैक्ट बादाम का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर मिला है 2%। तो टोटल देखे तो 17% इसके अंदर नेचुरल है, 100 में से मतलब 17% ही मिला है, तो फुल आयुर्वेदिक ये बिल्कुल नहीं है। हम बात करें इसको ओवरऑल 100% में से, तो करीबन यहाँ देख रहे हैं आप 83% के आसपास इसके अंदर मिला है प्रिजर्वेटिव और कलर और हॉट फ्रूटी परफ्यूम जो खुशबू है, बेस मटेरियल यहाँ 83% में से जहाँ तक मैं जानता हूँ 82% के आसपास इसके अंदर बेस मटेरियल मिला होगा, और साथ में जो खुशबू है इसके अंदर और जो प्रिजर्वेटिव है वो 1% के आसपास ही मिले होंगे। इसकी जो खुशबू है वो फ्रूट जैसी है। सेकंड हम देखें कुकुम्बर जो मैंने यूज करा है,
ये इसके अंदर भी सबका यूज करने का तरीका तो एक ही है, चेहरे पे लगा के अच्छे से रख करके वॉश करना है। तो हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट देखेंगे, मेन इंग्रेडिएंट कुकुम्बर है, तो क्या कुकुम्बर ही है, उसके साथ दूसरे भी मिले हैं या नहीं। तो हम देखें हम इसके इंग्रेडिएंट कैलकुलेट की, तो मंजिस्ट इसके अंदर मिला है 1.67%, सॉरी हाँ यस, नीम लीव मिला है इसके अंदर 1.6%, सेम है। हरिद्र मिला है इसके अंदर 1.67, ये भी 1.67 ही है। खीरा ककड़ी जिसको कहते हैं ककुम्बर, उसका एक्सट्रैक्ट मिला है केवल 2%, और साथ में कुष्ठ रूट मिला है इसके अंदर 1.67, लोद्र मिला है इसके अंदर एक्सट्रैक्ट मिला है 1.67। ये दो तीन आयुर्वेदिक चीजें मिलाई है, साथ में एलोवेरा का पल्प मिला है इसके अंदर 1.67, और साथ में पुदीना मिला है जो कि मिंट का काम करता है, ठंडा का काम करता है, 0.10% ही मिला है। ओवरऑल देखें तो 12.05% ही इसके अंदर क्यूकुम्बर वाले फेस वॉश में नेचुरल हर्ब्स मिले हैं, बाकी इसके अंदर सेम प्रिजर्वेटिव्स, सोडियम मिथाइल पैराबेन, सोडियम प्रोपाइल पैराबेन, और ग्रीन कलर का इसके अंदर कलर है, और उसके अंदर क्यूकुम्बर का परफ्यूम मिला है, और साथ में बेस मटेरियल मिला है। तो ओवरऑल ये यहाँ पर केवल करीबन 12% के आसपास ही है। तो ये आता है सेकेंड नंबर पे, पहला हमारा मिक्स फ्रूट जिसमें 17% के आसपास है, और दूसरा है हमारा क्यूकुम्बर जिसमें 12% के आसपास है। तीसरा हम देखेंगे नीम, जो कि बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं। इसके अंदर हम इंग्रेडिएंट देखें तो इसके अंदर की इंग्रेडिएंट 100 ml में नीम लीव्स का एक्सट्रैक्ट मिला है 8%, जो कि बहुत अच्छी बात है। तुलसी लीव्स का इसके अंदर एक्सट्रैक्ट मिला है जो कि 3%, और हल्दी इसके अंदर मिली है 3%, और बाद में प्रिजर्वेटिव मिले हैं, और सेम इसके अंदर नीम का ग्रीन कलर है, साथ में नीम केयर परफ्यूम है, जितने भी नीम की खुशबू वाली चीजें। तो यहाँ 14% आप देख रहे हैं, 14% इसके अंदर नेचुरल है, बाकी आप देख सकते हैं 86% इसके अंदर दूसरे बेस मटेरियल प्रिजर्वेटिव मिले हैं। इसके अंदर जो नीम मिले हैं वो मैक्सिमम वही चीज मिले, एंटीबैक्टीरियल वाले बेस मटेरियल, सॉरी हर्बल प्रोडक्ट, हर्बल हर्ब्स ही मिले हैं। तो हम देखते हैं लाइम एंड मिंट। अब हम देखें इसके इंग्रेडिएंट के बारे में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इंग्रेडिएंट इसके अंदर लेमन फ्रूट पल्प 5% मिला है, और उसके साथ तुलसी के पत्ते का एक्सट्रैक्ट 5%, पुदीना लीव्स एक्सट्रैक्ट 5%, और घृत कुमारी यहाँ पर है 5%। तो ओवरऑल 20%, जो कि मुझे अच्छा लगता है, 20% ये नेचुरल है, बाकी 80% इसके अंदर बेस मटेरियल मिला और थोड़ा बहुत प्रिजर्वेटिव और खुशबू मिली है। ये चार हो चुके हैं, और पांचवा एलोवेरा जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलता है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। तो हम यहाँ देखते हैं एलोवेरा 100 ml में तुलसी यहाँ मिली है करीबन 2% के आसपास, नीम लीव मिली है इसके अंदर 1% के आसपास, और एलोवेरा जिसको हिंदी में घृत कुमारी कहते हैं वो है 10%। तो यहाँ करीबन 13% के आसपास ही नेचुरल है, बाकी इसके अंदर बेस मटेरियल मिला है, और साथ में इन्होंने थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव मिला है और खुशबू मिलाई है, क्योंकि देखिए आई 87% इसके अंदर है। तो ये मैंने जमा दिए सारे, लास्ट सेकेंड में एलोवेरा आएगा, कुकुम्बर आएगा, और उसके बाद नीम फ्रूट और लाइम एंड मिंट। तो यहाँ सबसे ज़्यादा लाइम एंड मिंट में है, फिर मिक्स फ्रूट में है, उसके सम कम, और फिर नीम और एलोवेरा कुकुम्बर सबसे ज्यादा इसके अंदर लीम एंड मिंट में 20% के आसपास। देखिए आपको एक बात बता दूं इनमें कि इस पांचों चीजों में नेचुरल इंग्रेडिएंट 20% के आसपास है, किसी में 12, 13, 15 से 20% है, और आप सब देख रहे होंगे सब में कलर मिले हैं वो है आर्टिफिशियल। तो जितने भी कलर्स मिले हैं इसमें वो सब आर्टिफिशियल है, साथ में जो स्मेल आती है खुशबू वो भी आर्टिफिशियल ही है, तो ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि नेचुरल में इतनी खुशबू नहीं आ पाती है, और साथ में प्रिजर्वेटिव मिला है, प्रिजर्वेटिव मिलाना जरूरी है। आप कोई सा भी फेस वॉश ले ले, कोई सी भी क्रीम ले ले, बिस्किट ले, कुछ भी ले ले, पैकेज फूड ले ले, प्रिजर्वेटिव मिलाना जरूरी, प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाएंगे तो फर्मेंटेट हो जाता, खराब हो जाता, जैसे कि अगर वो कंपनी से निकला तो 10 मिनट के अंदर ही फेस वॉश खराब हो जाएगा। प्रिजर्वेटिव से क्या होता है कि इनकी लाइफ बढ़ जाती है, जिससे करीबन 1 से 1.5 साल तक अब इसको आप यूज कर सकते हैं। ये पांचों जो इंग्रेडिएंट है, ये पांचों इंग्रेडिएंट सॉरी पांचों जो फेस वॉश है, ये हम पर्टिकुलर हम देखेंगे कि इन जो फेस वॉश है ये किन के लिए पर्टिकुलर यूज होता है, क्योंकि हर किसी की कंडीशन अलग रहती है, जैसे कि एलोवेरा है, नीम है, किसी को ड्राई की स्किन की प्रॉब्लम है, किसी को ऑयली स्किन की प्रॉब्लम, किसी को पिंपल है, किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, काली स्किन हो जाती है, तो सभी के लिए है। लेकिन
यहाँ फेस वॉश का काम केवल फेस को साफ करना रहता है, लेकिन हम हमारी स्किन से कंडीशन से ठीक करें, जैसे कि एलोवेरा। हम जानते हैं एलोवेरा क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी का काम आता है, जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए काम आता है, जिनकी स्किन डार्क है वो उनके लिए काम आता है, तो वो एलोवेरा यूज कर सकते हैं। नीम, हम जानते हैं नीम एंटीबैक्टीरियल का काम है, जो इन्फेक्शन होते हैं पिंपल्स होते हैं उनके लिए काम आता है। मिक्स फ्रूट जनरल सभी यूज कर सकते हैं कॉमन, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मिले हैं वो है जनरल पर्पस स्किन के लिए ही ये यूज होता है, लेकिन सभी भी यूज कर सकते हैं इसको। तो ये तीन है आप देख रहे हैं, लाइम एंड मिंट, तो ये भी कॉमन है, जो कि अधिकतर ठंड सॉरी गर्मी में यूज होता है, क्योंकि फ्रूट है सिट्रिक रहता है जो कि स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, तो जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए लाइम एंड मिंट भी अच्छा है। कुकुम्बर ये 100% जनरल के लिए काम होता है, क्योंकि कुकुम्बर एक नॉर्मल स्किन है, ये भी पीएच लेवल को मेंटेन करता है। तो यहाँ नीम आप देख रहे हैं, एलोवेरा ये मैक्सिमम स्किन की प्रॉब्लम को काम आता है, और बाकी जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है। ठंड में देखें तो आप नीम एलोवेरा का यूज कर सकते हैं, गर्मी में देखें तो आप कुकुम्बर और लाइम एंड मिंट का यूज कर सकते हैं, और जो मिक्स फ्रूट है ये आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ये चारों और पांचों प्रोडक्ट है ये आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ठंड या गर्मी में करें, क्योंकि हर स्किन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कि किसी को अगर पिंपल्स हो रहे हैं, तो अगर वो नीम यूज करेगा तो उसकी स्किन तो क्लीन होगी, लेकिन नीम थोड़ा बहुत उसको बेनिफिट भी करेगा। तो ओवरऑल मेरी नजर में पांचों प्रोडक्ट बेस्ट है, क्योंकि अगर आप जो दूसरे जो कॉस्मेटिक वाले प्रोडक्ट यूज करेंगे, जैसे निविया हो गया, फेयर एंड लवली हो गया, इन सबके फेस वॉश यूज करेंगे, तो वो तो 100% केमिकल वाले रहते हैं, कम से कम इसमें आपको 10 से 15% मिल तो रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ये भी करें, हिमालय का, पतंजलि का, और जितने भी हर्बल कंपनी है उनका यूज करेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैंने नीचे लिंक दी है, मुझे इससे बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है, जो कि कुकुम्बर मैंने यूज करा है, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ नीचे जाके सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल बटन भी दबाइए, ताकि आपका जो ऐप है यूट्यूब ऐप जब खोले तो उसका इन्वायरमेंट हेल्दी रहे। अगर आपका वो इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगा तो आप हेल्दी रहोगे और आप हेल्दी जियोगे।